हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं देसी गांव की पार्टी, जिसे आप लोग अपनी भाषा में पिकनिक भी बोल सकते हैं। यह मेरे गांव में स्थित नादी बाबा मंदिर, जहां हम लोग आप पहुंचे हैं देसी पिकनिक मनाने। सबसे पहले मेरी बुआ बड़ी कुशलता एवं एकाग्रता से धनिया, मिर्चा, टमाटर आदि सब्जियों को बड़ी तेज़ी से काट डालती हैं। बगल में दाल बन रही थी एकदम देसी स्टाइल में। मिट्टी के चूल्हे पर अब दाल बन चुकी थी, जिसे फ्राई भी करना था, तो एक एक करके उसमें फ्राई करने के लिए सारा ज़रूरी सामान डाला जाने लगता है। मिली सी संगत के अपने वो दिन, हो जीवन पे चढ़ी जवानी की नई संगत के अपने वो दिन याद है। अब दाल बनके तैयार हो चुकी थी, बारी थी रोटी बनने की, जिसके लिए सबसे पहले आटा मारा जाना था। आप लोगों ने गैस की रोटियां तो बहुत खाई होंगी, लेकिन कभी हाथों से तैयार की गई चूल्हे की रोटियां नहीं। लेकिन मेरे लिए आज भी ये ब्लेसिंग्स है कि मैं चूल्हे पर बनी रोटी आज भी गाँव आके जरूर खाता हूँ। चूल्हे पर बनी रोटी बड़ी आसानी से डाइजेस्ट होती है, क्योंकि उसके अंदर मौजूद पॉलीसेक्राइड्स पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है, जबकि गैस की बनी रोटी टेक्स टू मच टाइम टू गेट फुली डाइजेस्ट। खाने में दाल, आलू की सब्जी, सूखी अरबी की सब्जी, रायता खाने के बाद कोयल का एकदम मनमोहक गीत सुन के पेट एवं मन दोनों ही भर चुके थे। लेकिन गाँव में खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, मैं डेयरी मिल्क की जगह एक गर्मा गर्म मोटी रोटी, जिसे हम लोग गकरिया बोलते हैं, को मिस कर उस पर शक्कर, गुड़ और देसी घी डालकर एक मिठाई बनाई जाती है, जिसे मलीदा बोलते हैं। उसके बिना पार्टी अधूरी मानी।